नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सारिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूनिट हेड गायनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, रोहिणी, दिल्ली। आज हम कैंसर की डायग्नोसिस के बाद जो सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। जब भी हम किसी कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसके सभी ऑर्गन्स का फंक्शन बिल्कुल ठीक रहे, जैसे कि किडनी का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, सबके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि और ध्यान भी रखते हैं। बट सेक्सुअल हेल्थ के बारे में हम लोग ध्यान नहीं करते, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी की भी लाइफ का, और सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो किस वजह से कि सेक्सुअल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कई रीजंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि किसी भी ट्रीटमेंट के बाद महिला की जो शरीर है उसके अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल जो हेल्थ है उस पर भी चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है बॉडी इमेज का चेंज होना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ओवरी कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और दूसरे कैंसर्स का ट्रीटमेंट होता है, उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है और कुछ समय के लिए महिला के बाल झड़ जाते हैं, उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बॉडी इमेज पे। कई बार ऑर्गन्स की सर्जरी होती है, जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, तो उससे भी बॉडी इमेज हार्म होती है। पेट पे बड़े बड़े स्कार्स होते हैं, या अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की सर्जरी हो रही है तो उससे भी बॉडी इमेज चेंज होती है, जिससे कि कॉन्फिडेंस कम होता है और साइकोलॉजिकली इस वजह से लिबिडो कम हो जाती है और आगे सेक्सुअल हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। दूसरा रीज़न इसमें ये हो सकता है कि कई बार जब हम प्रजनन संबंधित अंगों का जो कैंसर होता है उसमें ओवरीज वगैरह निकाल दी जाती हैं, और जो हार्मोन्स हैं जिससे कि लिबिडो बनती है वो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में और लिबिडो कम हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही होती हैं जिससे कि हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है, जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जिससे कि हार्मोन्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और लिबिडो कम हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लिबिडो होती है बट सेक्सुअल एक्टिविटी करने में काफ़ी पेन होता है महिला को, क्योंकि उसकी रेडिएशन वगैरह की वजह से या हार्मोन की कमी की वजह से ड्राइनेस हो जाती है और काफ़ी पेनफुल इंटरकोर्स हो जाता है। तो ये काफ़ी रीजंस हैं जिसके वजह से सेक्सुअल हेल्थ ठीक तरीके से उनकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो पाती है। ऐसे में कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं, और महिला को इसके लिए हमेशा ये जो भी प्रॉब्लम्स उसकी आ रही है सेक्सुअल एक्टिविटी में, अपनी डॉक्टर से पूछना चाहिए और वो आपको सुझाव देंगी कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है। कोई भी तकलीफ़ आपको अगर सेक्सुअल हेल्थ के लिए हो तो ज़रूर अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछें, वो उस चीज़ का निदान करेंगे। धन्यवाद।